भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सारे के सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। गरीब दुखिया मजलूम सारे लोग परेशान हैं। आए भाजपा वाले मस्त हैं। आपने देखा हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 27 तारीख को मऊ के हलधरपुर में गठबंधन का ऐलान किया और कई लाख की संख्या में जनता ने दिखा दिया कि आए मोदी जी 24 में हम आपको समझाएंगे, आए महाराज बाबा योगी आदित्यनाथ जी 22 में हम आपको समझाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव बैठे थे अपने भाषण काल में, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, ए जोगी महाराज कैला बवाल बाबा जी, कैला बवाल बाबा जी, यूपी के बेहाल योगी जी, यूपी के बेहाल योगी जी, कैला बवाल बाबा जी, यूपी के बेहाल योगी जी, अब की तजाम के पखेड़ा हो गए, यूपी से खदेड़ा हो गए हो, अब की तजाम के 22 में अब की तजाम के पखेड़ा हो गए, यूपी से खदेड़ा हो गए हो। आखिर जनता त्रस्त है, गैस का दाम बढ़ाया आपने, बिजली का दाम बढ़ाया, खाद का दाम बढ़ाया, तेल का दाम बढ़ाया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया। बाबा जी सुन लीजिए, जनता की आवाज है। कंठ माला फेरत पाचा बरी सबिता वाला, सबके आला गवाला, अब गीत तोहारो लथेड़ा होबे, अब गीत तोहारो लथेड़ा होबे, यूपी से खदेड़ा होबे, अब की तक तो रोला थे सारी जनता गवाह है। जब आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने गए 2017 में, तो अखिलेश यादव के कुर्सी को गौमूत्र से धुला गया, गंगा जल से धुला गया। आओ जो ने गंगा जल से धोला महाराज जी, गंगा का सफाई कितना भइल जग जाहिर है, पूरा बजट गायब आ गंगा जस का तस। इसका मतलब जो बैकवर्ड है, दलित है, आप उस व्यक्ति की कुर्सी को धुलवाने का काम करते हैं महाराज, इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी ने ललकारा है, अखिलेश यादव जी ने ललकारा है कि जनता 2022 में आ रहे हैं अखिलेश यादव जनता के आशीर्वाद से। कंठी माला फेरेला महाराज, अजाति पात भेदभाव में जब चुनाव आई तो श्मशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, तरह तरह का बात बतिया के गरीब जनता के भ्रमित करेला, ई कुल ना हो पाई। अब जनता तैयार है, सजग हो चुकी है। का अरे रोवेले किसान रहल खेती है सहारा, रोवेले
अबना सारा कार भेड़ी भेड़ा होवे, अबना सारा कार भेड़ी भेड़ा होवे, यूपी से खदेड़ा होवे, अबना सारा कार भेड़ी भेड़ा होवे, यूपी से खदेड़ा होवे, आजादी से आज तक तमाम सरकारें आई और गई, तमाम आंदोलन हुए। यह संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी नाजायज कानून के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। बाबा साहब ने बताया है संविधान में, किसानों पर आप जबरदस्ती ऐसी कानून को थोप रहे हैं जिसका विरोध पूरे भारत का किसान कर रहा है, और उन किसानों के ऊपर भाजपा के मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, 8-9 की संख्या में किसान मारे जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन आप लोग कान बंद करके आंख बंद करके बैठे हैं। इसलिए लोगों की कहना है, महाराज जी सुनिए, पूरे यूपी का जनता करत बासा मराठान, साथियों कान खोल कर सुन लीजिए, सब लोग आपकी चाल को समझ गए हैं। अब ना यह में कौनो छेड़ी छेड़ा होवे गठबंधन में, अब ना यह में कौनो छेड़ी छेड़ा होवे, यूपी से खदेड़ा होवे, अब ना यह में गठबंधन में पूर्वांचल की राजनीति की धुरी है जनपद आजमगढ़। आजमगढ़ तय करता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। इसलिए कहना है क्या, बलराम दुर्गा करी है तोहरा के ढेर हो, पूर्वांचल का शेर हो, महाराज पार नहीं खे योगी तोहर पेड़ा होवे, पार नहीं खे योगी तोहर पेड़ा होवे, आयु किसे पेड़ा होवे, कैबिनेट मंत्री आदरणीय बलराम यादव, उनके पुत्र अतरौलिया विधायक संग्राम यादव, शेरे पूर्वांचल माननीय रमाकांत यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, उनके बेटे विजय यादव, समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, साथ ही साथ गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद जी, और तमाम हमारे जिले के सम्मानित समाजवादी नेता और सुभाषपा के नेताओं के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया गया है कि सुनिए, हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। दरोगा प्रसाद सरोजी पूर्व सांसद और तमाम लोग लगे हुए हैं। इसलिए कहना है कि आप प्रमोद यादव ब्लॉक प्रमुख पलहनी, यूपी का जनता अब की करत बापू का हार हो, यूपी का जनता अब की करत बापू का हार हो,
की सरकार हो या फिर सलामा जी का बनी सरकार हो सीधी बात नहीं थे केड़ी टेढ़ा होवे सीधी बात नहीं थे केड़ी टेढ़ा होवे यूपी से खदरा होवे सीधी बात नहीं थे केड़ी टेढ़ा होवे समाजवाद।